वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस व्हाट इज स्मार्ट बीटा फंड। आज हमने इस वीडियो के अंदर स्मार्ट बीटा फंड के बारे में जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्मार्ट बीटा फंड जो है ना ये क्या है। पढ़ा स्मार्ट बीटा फंड आल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक बीटा आर फैक्टर बेस्ड फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट एम्स टू आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्सेस लाइक द S&P 500 और द FTSE 100। ये जो है ना एक स्मार्ट बीटा जो है ना जिसे स्ट्रेटेजिक बीटा या फैक्टर पर मबनी जो फंड्स हैं उस पर ये भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। एक सरमायाकारी फंड है। इसका मकसद जो है ना रवायती मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स जैसे कि 500 S&P हो गया या 100 हो गया FTSE को मुनज़म तरीके से मुंतखब करके जो है ना इसे मखसूस फैक्टर जो है मामल जो है उसके मुताबिक स्टॉक का वजन करना है, या ऐसी खसूसियात जिन पर यकीन किया जाता है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट या ख़तरे को कम करने में जो है ना मुआवन साबित हो सकती हैं, रिस्क को रिड्यूस कर सकती हैं या उसे वापसी हटा सकती हैं, रिटर्न कर सकती हैं। अनलाइक ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड विच वेट स्टॉक्स बेस्ड सोलोली ऑन द देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसमें रवायती इंडेक्स फंड के बरक्स जो स्टॉक का वजन सिर्फ इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कंपनी के बकाया जो एसेट्स के कुल मार्केट वैल्यू पर होता है। स्मार्ट बीटा फंड्स मुतबादल वजन की स्कीमें इस्तेमाल करते हैं। ये स्कीमें जो है ना आमतौर पर कीमत रफ्तार कम उतार चढ़ाव या मेयार साइज या दीगर बुनियादी या तकनीकी इशारे जैसे फैक्टर जो है उस पर मबनी होते हैं। स्मार्ट बीटा जो होता है हिकमत अमलियों के पीछे अकलियत की जड़ें अलमी तहकीक में हैं पड़ी जो ये बताती हैं कि बाज़ फैक्टर या वामिल जब मुनज़म तरीके से इस्तेसाल किया जाता है तो रवायती मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स के मुकाबले में बेहतर रिस्क एडजस्ट शुदा प्रॉफिट का बायस बन सकते हैं। तहम ये नोट करना ज़रूरी है कि किसी भी सरमायाकारी की हिकमत अमली की तरह जो है ना स्मार्ट बीटा फंड्स ऐसे खतरात के एक सेट के साथ जो है ना आते हैं और हो सकता है कि वो हमेशा वसी मार्केट या रवायती इंडेक्स फंड से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा ना कर पाएँ। सरमायाकारों को स्मार्ट बीटा फंड्स में सरमायाकारी करते हैं करने से पहले ना अपने सरमायाकारी के अदाफ खतरे की बर्दाश्त और वक्त के पर जो है ना गौर करना चाहिए। तो इसमें जो है ना स्मार्ट बीटा फंड एक किस्म की सरमायाकारी की गाड़ी के तौर पर जाना जाता है जो फाल और गैर फाल जो होते हैं पड़े एलिमेंट्स वगैरह इसमें जो सरमायाकारी की हिकमत अमली होती है उसके अनासर को भी यकजा करने की ट्राई करता है। इनका मकसद मखसूस फैक्टर या खसूसियात की बुनियाद पर स्टॉक को मुनज़म तरीके से मुंतखब करके और इसका जो वेट होता है उसका तयन करके अपनी रवायती मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होती है ना वेटेड इंडेक्स जैसे जो है ना उसको पीछे छोड़ने वाले जो प्रॉफिट पैदा करता है। अब जो इसके चंद एक पॉइंट्स हैं इंडिकेटर्स हैं पड़े एस्पेक्ट्स हैं पहलू हैं कि एस्पेक्ट्स जो है ना इसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट जो है ना फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग, फैक्टर पर मबनी जो सरमायाकारी होती है ना स्मार्ट बीटा फंड्स फैक्टर पर मबनी सरमायाकारी पर जो है ना इस पर हो रही होती है मबनी होती है जिसमें मखसूस और साफ या फैक्टर को निशाना बनाया जाना शामिल होता है जो तारीखी तौर पर ज़्यादा प्रॉफिट या कम खतरे से वाबस्ता हैं। फैक्टर की मिसालें अगर देखते हैं कदर रफ्तार कम उतार चढ़ाव मेयार साइज और प्रॉफिट की पैदावार जो है ना इसके अंदर शामिल होती है। सेकंड पॉइंट जो है ना अल्टरनेटिव वेटिंग स्कीम जो होती है रवायती इंडेक्स फंड्स के बरक्स जो है स्टॉक का वजन सिर्फ अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को बकाया इसेस की कुल मार्केट वैल्यू की बुनियाद पर करते हैं। स्मार्ट बीटा फंड्स मुतबादल वजन की स्कीमें यूज़ करते हैं। इन स्कीमों में मसावी वजन शामिल हो सकता है जहां इंडेक्स मेंबर जो है ना हर स्टॉक को यकसा तौर पर मुख्तस किया जाता है या डिविडेंड आमदनी होती है या उसमें दीगर बुनियादी मेट्रिक्स होते हैं जैसे फैक्टर के बुनियाद तौर पर जो है ना वजन हासिल होता है इसका वेट मालूम किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच जो है ना इसमें स्मार्ट बीटा फंड्स पोर्टफोलियो की तमीर के लिए जो कवायद पर मबनी या मुनज़म अंदाज की पैरवी करते हैं। फाल पोर्टफोलियो जो है ना इसमें मैनेजर्स की
सवाब दीदा और उस पर जो है ना इसार करने की बजाय ये फंड जो है ना मखसूस फैक्टर की बुनियाद पर जो है ना जो वामिल होते हैं उसकी बुनियाद पर सिक्योरिटीज के इंतखाब और इसके वेट के लिए जो पहले से तयशुदा तरीकाकार या एल्गोरिथम जो होते हैं उस पर अमल करते हैं। नेक्स्ट जो है ना वह है डिवर्सिफिकेशन जो इसके तनु वगैरह हो रही होती है। इसमें जो है रवायती इंडेक्स फंड्स की तरह जो है ना स्मार्ट बीटा फंड्स आमतौर पर मुख्तलिफ शोबों संतों और जोग्राफियों में वसी तनु पेश करते हैं। ये तनु सिंगल स्टॉक के खतरे को कम करते हैं करने में जो है ना हेल्प करते हैं और ज़्यादा मुस्तकम सरमायाकारी पोर्टफोलियो में हिस्सा डाल सकता है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। कुछ स्मार्ट बीटा हुकूमत अमली है इसमें ऐसी भी होती हैं जिसमें कम उतार चढ़ाव या मेयार जैसे फैक्टर पर जोर देख कर पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव या मनफी पहलू को कम करने पर तवज्जो मरकूज करती है। रिस्क मैनेजमेंट जो होता है उसका यह जज्व सरमायाकारों से अपील कर सकता है जो मार्केट में जो है ना मंदी के दौरान जो है ज़्यादा मुस्तकम प्रॉफिट या मनफी तहफ़ के जो है ना उसके लिए जवाबदेह होते हैं उसमें मतलब उसमें बेहतरी लाते हैं। नेक्स्ट जो है ना इसमें है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है ना इसके अंदर जो है स्मार्ट बीटा फंड्स अक्सर रवायती फाल के तौर पर मुनज़म फंड के मुकाबले में ज़्यादा जो है ना शफाकियत जो होता है पेश करते हैं। सरमायाकार जो होते हैं आमतौर पर बुनियादी फैक्टर अवामिल वजन के तरीक़ाकार और फंड के जो होल्डिंग होते हैं उसके बारे में तफसीली मालूमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं जिससे पोर्टफोलियो की तमीर की और नज़म व नसक की तमीर की बेहतरी और इसकी जो तफहीम होती है इसके लिए मुमकिन हो सकती है। नेक्स्ट जो और लास्ट जो है इसमें है परफॉर्मेंस पोटेंशियल। इसके अंदर जो कारकर्दगी का इम्कान होता है ना स्मार्ट बीटा हिकमत अमलियों की हामी ये दलील देते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट या कम खतरे से मुंसलिक जो फैक्टर्स हैं पर उसको मुनज़म तरीके से निशाना बनाकर ये फंड्स लॉन्ग टर्म के दौरान जो है ना रवायती मार्केट कैपिटलाइजेशन वेंटेड जो होते हैं इंडेक्स उसको पीछे छोड़ने की सलाह रखते हैं। तहम इसमें जो है ना इसमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि कारकर्दगी के नतज मुख्तलिफ हो सकते हैं और ये होशियार बीटा हिकमत अमली मार्केट के बाद हालात या अदवार के दौरान जो है ना कम कारकर्दगी कम मुजाहरा जो है ना कर सकती हैं। मजमूई तौर पर जब देखते हैं तो इसमें स्मार्ट बीटा फंड जो है ना सरमायाकारों की रवायती गैर फाल और इसमें सरमायाकारी के मेथड्स होते हैं उसके दरमियानी तौर पर जो है ना फ्राम बुनियाद फ्राहम करते बेस जो है ना उसे प्रोवाइड करता है जो एक मुनज़म और शफाफ जो है ना फ्रेमवर्क के तौर पर बेहतर प्रॉफिट या रिस्क मैनेजमेंट की सलाहियत फ्राहम करता है। ये सरमायाकार को स्मार्ट बीटा फंड से वाबस्ता जो इसके मकासद होते हैं या कोई भी मकसद होता है या खतरात और अखराजात वगैरह को जायज़ा लेना जो है ना चाहिए ताकि इनकी सरमायाकारी की जो महकमे होते हैं उसमें जो है ना इनकी मुनासबत इसका तयन किया जा सके। तो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।